तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपका फाइनल जो कटअप है कितना जाने वाला है। तो जैसे कि आप लोग मालूम है कि सब किसी ने आंसर की चेक कर लिया होगा और सबको मालूम हो चुका होगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है। उसके अनुसार आप लोग अपना फाइनल रो मार्क्स जो है मालूम कर चुके होंगे कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। तो देखिए बहुत सारे मैंने पोल भी किया था उसमें, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पोल में अपना पोल किया है, वोट दिया है कि मतलब कितना क्वेश्चन सही है। अगर आपने किया होता आप उस पोल में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने मन से भी एनालिसिस किया, पोल को भी देखा और यूट्यूब पे बहुत सारे कटअप के वीडियो मैंने भी देखा है। ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ और ऐसे ऐसे मतलब 15-20 से ऊपर ही वीडियो मैं देख चुका हूँ कि कटअप आपका कितना जाएगा SSGD का। तो बात रहा कि अब मैं बता ही देता हूँ कि आपका भी कटअप कितना जाने वाला है, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, बस शॉर्ट वीडियो में आप लोग बता देना चाहता हूँ कि फाइनली आपका कितना कटअप जाने वाला है। तो देखिए आप अगर अच्छा आपको मालूम है कि 160 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो सिर्फ मैं मार्क्स के अनुसार ही बताऊंगा कि आपका मतलब कितना कटअप जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जनरल और OBC के लिए, यानी जितने भी कैंडिडेट्स जो जनरल और OBC में आते हैं उनका कटअप जैसे मालूम होगा सबसे हाई जाता है, तो उन कैंडिडेट्स के मैं कटअप बता देता हूँ। उसके अनुसार आप लोग अपना जो SC ST में कैंडिडेट्स आते हैं और गर्ल्स जाते हैं वो अपना थोड़ा कम मार्क्स करके अपने आप अनुसार बना लेंगे कि कटअप कितना जाएगा। हालाँकि जैसे कि आप लोग मालूम है कि बिहार और उसके बाद UP महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान ये जो मतलब 4-5 ऐसे मतलब जो स्टेट आते हैं उनका कटअप हाई जाता है। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है पिछले साल भी गया था और मतलब 2021 में भी गया था और उसके बाद 2018 वाला जो वैकेंसी आया था उसमें भी गया था। और आप लोगों को भी मालूम ही है कि ये जो आते हैं रेड जोन में आते हैं, मतलब जिनका कटअप हाई जाता है उनको रेड जोन में रखा जाता है। तो ये जो 5-6 के मतलब स्टेट जो मैं नाम रखा और एक दो स्टेट और भी हैं मतलब उनका थोड़ा उससे कम जाता है। और जो मैं 5-6 स्टेट का नाम बता रहा हूँ जिनका कटअप एकदम लो जाता है, सबसे लो उन्हीं का जाता है, जिसे मतलब बता दूँ नाम जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट होते हैं यानी उसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उनका कटअप तो सबसे कम जाता है। यानी जितने भी कैंडिडेट्स 28 जो अभी स्टेट हम लोग हैं इंडिया में उनमें सबसे कटअप उन्हीं का जाता है, 7 सिस्टर वालों का, यानी जो नॉर्थ ईस्ट साइड में पढ़ते हैं स्टेट उनका जाता है। तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, क्योंकि उनका कटअप कम जाता है तो उन लोगों को ऐसे ही मालूम होता है। हम लोग मेन जो कटअप का जो लड़ाई होता है वो बिहार से और UP से और हरियाणा राजस्थान MP जो होता है इन स्टेट्स मतलब जिनका हाई कटअप जाता है जो रेड जोन में आते हैं उनसे होता है। तो मैं उन स्टेट का ही खास करके बताऊंगा। तो अब चलिए बता देता हूँ कि मतलब कितना फाइनल कटअप जाने वाला है। तो देखिए जो रेड जोन से आते हैं और जो जनरल कैटेगरी से है उनका फाइनल जो कटअप है, मैं फाइनल ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग कटअप 110 प्लस नंबर आ रहा है, ठीक है, 110 नंबर कटअप आ रहा है नंबर, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा जनरल कैटेगरी के और रेड जोन वाले, ठीक है। मतलब जिनका भी 110 नंबर है और वो जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो रेड जोन से आते हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा, मैं वादा करके कहता हूँ। अब बात रहा कि उनका फिजिकल कितना जाएगा, तो देखिए फिजिकल जो उनका है मतलब 95 तक उनका जाएगा, ठीक है, 90 से 95 के बीच में उनका फिजिकल का कटअप जाएगा, ठीक है, उससे कम नहीं जाएगा ना इससे ज़्यादा जाएगा, मैं जितना बोल दिया हूँ लगभग उतना जाएगा, क्योंकि मैं लगभग 15-20 से ऊपर वीडियो देखा हूँ सिर्फ जेन्युइन यूट्यूब चैनल और जेन्युइन सर लोग का, ठीक है, और खुद मैं अपना एनालिसिस किया हूँ तो उसके अनुसार बता रहा हूँ। 90 से 95 जाएगा जनरल कैटेगरी को और जो रेड जोन में आते हैं उनका 90 से 95 जाएगा फिजिकल कटअप और 110 जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बोलिए सर मेडिकल का कितना जाएगा, तो देखिए जो फिजिकल का कटअप होता है उसे मात्र 2 से 3 नंबर ही बढ़ता है, किसी भी स्टेट का हो मात्र 2 से 3 जो मैक्सिमम नंबर होता है वो बढ़ता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप फिजिकल को मालूम होना चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट का मालूम होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात कर लेता हूँ OBC का, यानी जो जितने भी रेड जोन में आते हैं जिनका कटअप हाई जाता है जिन स्टेट का उनके OBC का बता देता हूँ। और देखिए जो मैं कटअप बता रहा हूँ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का है, और अब अगर जानना चाहते हैं कि फीमेल का कितना जाएगा तो उसे आप कम कर लीजिएगा, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स आप अपने आप कम कर लीजिएगा, मार्क्स 4 से 5 नंबर ज़्यादा नहीं, 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है यानी कम रहता है, तो अपने आप से जोड़ लीजिएगा। तो अब बताता हूँ मैं कि फाइनल कटअप होता है रेड जोन का OBC का मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, तो उनका देखिए मात्र 80 नंबर के पास 80 और 82 नंबर के आसपास में OBC वालों का मेल कैंडिडेट्स का फिजिकल पर कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है, यानी अगर आपका 80 और 82 के बीच में नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर आप OBC हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं और रेड जोन में आते हैं तो आपका 80 से 82 के बीच में आपका फिजिकल का जो है कॉल लेटर आ जाएगा। और फाइनल बात करें कि मेडिकल का कितना जाएगा, तो देखिए जितना होता है मैं ऐसे बताया कि हर एक स्टेट का हर एक मतलब कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर बढ़ता है मेडिकल के लिए, ठीक है, हालांकि 2018 में मतलब 1 से 1.5 या पॉइंट में ही बढ़ा था, लेकिन 21 में देखा जाए तो 30 से 4 नंबर भी बढ़ा था, ठीक है, लेकिन जो एवरेज जो नंबर था 2 से 3 नंबर ही बढ़ा था, ठीक है, तो 2-3 नंबर आप इसमें ले सकते हैं। अब बात रहा OBC का जो फाइनल है मतलब फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कितना पर बनेगा, तो देखिए अगर आपका 100 नंबर आ रहा है, 100, ठीक है, 100 के आसपास नंबर आ रहा है, 100 भी आ रहा है तो आपका 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है,
मतलब ओबीसी से है, अगर रेड जोन से है और मेल कैंडिडेट से है तो आपका 100 नंबर बन रहा है, 100 नंबर के आसपास बन रहा है, तो आपका 100% फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आप भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वीडियो अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ये मतलब आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 15 से 20 वीडियो मैं देखा हूँ, ये भी ऐसा वैसा वीडियो नहीं, जो यूट्यूब पर अच्छे से टीचर्स हैं जिनका अच्छे से व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जेन्यून टीचर्स हैं और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं और अपना एनालिसिस दिया है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको मैं उनका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि किन किन टीचर्स का और किन किन यूट्यूब चैनल्स का मैं वीडियो मतलब देखा हूँ और एनालिसिस किया हूँ और खुद मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, और जैसे मैं मालूम है कि मैंने भी एग्जाम दिया है तो उसके अनुसार भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, अगर बताता ना होता तो मैं भी बता देता कि तुम्हारे 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे 30 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे गाली सुनने वाला फिर गलत सूचना देने का मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि 2021 वाले में भी मैं पार्टिसिपेट हुआ था और फाइनली मैं मेरिट में छटा हूँ। तो वैसा मेरे समय में भी वैसा होता था, 2021 में जब मैं एग्ज़ाम दिया था उस समय भी बहुत बता रहे थे, मतलब उस समय 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था जिससे कि आप लोग मालूम है, तो उस समय भी टीचर बताते थे कि आपका 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 55 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ गया तो सब किसी का होश उड़ गया, तो वैसे बताने वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े करिएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है आपको जैसे मेडिकल से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए खास करके SSGD से, और भी सूचना अगर जानना चाहते तो पा सकते हैं, लेकिन खास करके मैं आप लोगों को इस चैनल पे SSGD के ही बारे में बताता हूँ, और क्योंकि मैं खुद उस स्थिति से गुजर चुका हूँ इसीलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और सुनिए अपने अनुसार ही बताइएगा कि कटअप कितने जाने वाला है। ठीक है, मैं तो अपना बता दिया, लेकिन इससे 1 नंबर भी आधा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कम से कम 15-20 टीचर का मैंने एनालिसिस किया है और मैं खुद का एनालिसिस किया है, आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही कटअप मिला होगा। ठीक है, इसी के आसपास मिला होगा। ठीक है, तो आप भी ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप भी अनपढ़ नहीं है क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर इतना नंबर लाए हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि आप इतने एनालिसिस नहीं कर सकते, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।